हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपके लिए 10 प्रोवर्ब्स लाया हूँ जिसमें आप इंग्लिश के साथ हिंदी और साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे इस प्रोवर्ब का क्या मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बेटर टुडे देन टुमारो, कल करे सो आज कर। दोस्तों इस प्रोवर्ब को आप बहुत बार सुने होंगे कि कोई भी काम कल करे सो आज कर, कल किसने देखा, जो करना है आज करो। तो इस प्रोवर्ब को आप इंग्लिश में कह सकते हो बेटर टुडे देन टुमारो, हिंदी में कल करे सो आज कर। नेक्स्ट है दोस्तों, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। दोस्तों इसका मतलब तो आप जानते होंगे कि मौत कभी भी आ सकती है, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। तो आप इस प्रोवर्ब को कह सकते हो इंग्लिश में डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। दोस्तों हर इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है दोस्तों, ये आपने सुना होगा। तो जिससे अगर कुछ नहीं होता है तो वो दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता है कि मेरा नहीं हुआ, लेकिन अगर चाहेगा तो हर पर्सन अपना भाग्य लिख सकता है। तो दोस्तों इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। 4th नंबर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। 5th नंबर, एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से उदाहरण अच्छा है। दोस्तों अगर कोई लॉ है उससे अच्छा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से किसी को आप समझाते हो तो अच्छी तरह समझ जाता है अब, और लॉ को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है, जिसको प्रिसेप्ट कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट है, पेनी वाइज पाउंड फुलिस, अशर्फी की लूट कोयले पर छाप। दोस्तों इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन वो अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होगा कि बाद में उसको अपना हेल्थ रियलाइज़ होगा कि मैंने ये छोटे काम के लिए अपने हेल्थ को भूल चुका था जो पैसा कमाने का काम है दोस्तों। तो इस प्रोवर्ब को आप कह सकते हो पेनी वाइज पाउंड फुलिस। 7th नंबर, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दोस्तों कोई पर्सन है जो कि आपको हेल्प किया सिचुएशन, गलत सिचुएशन में, लेकिन उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, तो वहाँ पर आप इस प्रोवर्ब को यूज कर सकते हो, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, कि एक बार तो हेल्प कर दिया लेकिन इस पर बिलीव नहीं करना। नेक्स्ट है दोस्तों, मैनी मैन मैनी माइंड्स, अपनी डफली अपनी राग। दोस्तों इस प्रोवर्ब का सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप जितने लोगों के पास जाओगे उतना तरह का आपको बात सुनने को मिलेगा। तो मैनी मैन मैनी माइंड्स, इस प्रोवर्ब को आप यूज कर सकते हो उस जगह, जितने लोग उतनी बातें, अपनी डफली अपनी राग। 9th नंबर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर सोची सदा सुखी। इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ दोस्तों, अगर कोई भी बीमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको क्योर करने से अच्छा है कि आप उसको जड़ से ठीक कर लो, आप अपना बॉडी को ऐसा बना लो कि वो बीमारी हो ना, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लास्ट है दोस्तों, एक्सेस इज एवरीथिंग इज़ बैड, अति सर्वत्र वर्जयेत। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स है जो कि संस्कृत में है, कुछ भी काम या फिर कुछ भी चीज़ एक्सेस में करना बुरा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा करना। दोस्तों जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पानी पियोगे तब प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा आप मेहनत करोगे तो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये 10 प्रोवर्ब अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। दोस्तों समझ आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।